हरियाणा के करनाल में होने वाले खेल महाकुंभ को देर रात से चल रही बारिश के चलते पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये कार्यक्रम 27 को होगा। कर्ण स्टेडियम पानी से लपालप हो गया। आयोजन में करोड़ों रुपए पानी में बह गए। 10,000 लोगों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने कार्यक्रम में शिरकत करनी थी। मुख्यमंत्री व खेल मंत्री ने भी 4 बजे उद्घाटन करना था। प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों ने खेल महाकुंभ में शिरकत करनी थी, लेकिन देर रात से हुई बारिश ने स्टेडियम की व्यवस्था को खराब कर रख दिया। लंबे समय से स्टेडियम में पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है, जिसके चलते हर बार बारिश में स्टेडियम पानी से लबालब हो जाता है। इस बार भी वही हुआ। बरसात के कारण स्टेडियम में पानी भर गया, जिस कारण खेल महाकुंभ को स्थगित करना पड़ा। जैसा कि आपको मालूम है कि कल 24 तारीख को यहाँ खेल महाकुंभ उसकी शुरुआत होनी थी, मगर बरसात बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा है। सर, क्या प्रोग्राम था और कौन कौन लोग थे? सर, इसमें ऐसा है कि इसमें सभी डिस्ट्रिक्टों से हमारे पास 100-100 बच्चा आ रहा था और उनके यहाँ मार्च पास होनी थी और कुछ पुलिस की टुकड़ियाँ भी यहाँ आ रही थी, जिनकी मार्च पास से CM साहब को, बी साहब को सलामी देनी थी। मतलब किन्हीं कारणों से, जैसे आपको बताया कि बरसात हैवी रेंज की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा। राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आने थे। हाँ, उसमें हम लोगों ने सरदारा सिंह जी, जो हमारे सुशील कुमार जी, उनको हमने इनवाइट किया था स्पेशल, तो फिलहाल हमने उनको भी मना कर दिया। स्टेडियम आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से ड्रेनिंग वाटर की समस्या है। उसमें ऐसा है, ये प्रोग्राम सारा चल रहा है, इसके CM साहब से सारी हमारी परमिशन मिली। CM अनाउंसमेंट्स में हमारा ये सिंथेटिक ट्रैक का है और फुटबॉल ग्राउंड का भी, इनका लेवल 2-2 फुट ऊपर रेंज होगा, तो जो हमारे नेक्स्ट सारी कार्रवाई है उसके हिसाब से सारा इसको हम ठीक करवा देंगे। 4 करोड़ रुपये इस प्रोग्राम में लगाया गया, वो खराब होगा अगर उससे पहले यहाँ लगा दिया जाता सिंथेटिक ग्राउंड, तो शायद इससे बचा जा सकता था, पानी ना रुकता। उसमें देखिए, ऐसा है कि वो तो CM अनाउंसमेंट थी, उसके हमारे विज साहब से इसकी परमिशन मिल चुकी है हमें और वो डिपार्टमेंट को वापस पहुंच चुका है। इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं आपको। हैं जी, दूर के चले हैं, सब लड़के आ रहे हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर, हैं जी, फिलहाल तो मतलब लड़कियों का प्रोग्राम नहीं। कब किया जाएगा? उम्मीद अगली मतलब नेक्स्ट डेट बता दी जाएंगे, जल्दी बता दी जाएंगे। क्या नाम है, क्या? मेरा नाम मुकेश रिखी है, मैं स्पोर्ट्स एडवाइजर हूँ, ये मेरे साथ DSO साहब हैं, यहाँ पे मिस्टर अनिल कुमार हैं।